डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा प्रश्नावली 9.3 प्रश्न नंबर 4 का ए कहा गया है 3x कोष्टक में है, 4x माइनस 5 कोष्टक बंद प्लस 3 को सरल करो, और यदि x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1/2 के लिए मान भी ज्ञात करें। तो देखिए कितना सिंपल सा है, पहले इसको सरल करना है। 3x कोष्टक 4x माइनस 5, अब इसको हल करना कितना सिंपल हुआ। देखिए 3x को किससे गुणा करेंगे, 4x को, तो 3x गुणा 4x माइनस 5 गुणा 3x, या 3x गुणा 5 एक ही बात है। कितना हुआ 312 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x। यहां पर हम देख रहे थे प्लस के 3 चल रहे थे, प्लस के 3 भी साथ लगा दिया, सिंपल सा हो गया 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 3। अब आगे देखिए कहा गया कि x बराबर 3 से मान ज्ञात करना है, क्या अर्थ हुआ x बराबर 3 रखने पर, यानी जहां जहां हमें x दिखाई देगा वहां वहां हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। 12 3 का स्क्वायर माइनस 15 फिर कितना 3 प्लस कितना 3। अब देखिए 12 3 तिया 9 माइनस 45 प्लस 3, 12 नम्मा 108 माइनस 45 प्लस 3, अब ये जोड़ेंगे तो कितने हो गए 111 माइनस 45, घटा दीजिएगा 11 में से 5 गए तो 6, 10 में से गए तो 66, कितना आंसर आ गया 66। ये 66 किसके लिए आया 3 के लिए। अब हमें किसके लिए ज्ञात करेंगे 1/2 के लिए हल ज्ञात करेंगे, अभी आपको फिर दिखाएंगे, देखिएगा 1/2 के लिए। देखिए 66 है, अब इसका सेकंड सवाल देखेंगे, सेकंड सवाल में क्या रखेंगे x का मान 1/2 रखेंगे, तो यहां पर जो हमने हल किया था इससे कोई हमारा वो नहीं है। अब इसका सेकंड सवाल हमें क्या रखा, संख्या आई थी हमारी 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, और x बराबर 1/2 रखने पर। अब देखिए x बराबर 1/2 रखा तो क्या हुआ, 12 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 1/2 प्लस कितना 3। अब सिंपल सी बात है, देखिए क्या करना, देखिए आप सोचिए कैसे करेंगे बताइए, 12 1/4 कहां से आया 1/2 को 1/2 से किया, माइनस 15 गुणा 1/2 प्लस 3, इसको काट दो, काट दिया 3 माइनस 15/2 प्लस के 3। अगर इसको आगे हल करें 3 और 3 कितने हो गए 6 माइनस 15/2, ऐसी स्थिति में आपको पता है हम क्या लेते हैं, लेसे पे लेते हैं। अब इसका लेसे पे लेंगे तो क्या आएगा आप बता सकते हैं, देखिए चलिए आप लोगों के लिए मैं इधर कर देता हूँ इसको, 6 माइनस 15/2 इसके नीचे 1, लेसे पे कितना आया 2 आया, यहाँ कितना चढ़ गया 2 चढ़ गया, यहाँ कितना चढ़ा 1, 6 दुनी 12 माइनस 15
अब क्या बचा, माइनस का 3/2, यही हमारा आंसर आ गया। यानी इसका सवाल नंबर कौन सा हो गया, चौथे का, एक का, दोनों सवाल हल हो गए। देखिए क्या है, ए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस एक और प्लस में 5। क्या करना है, पहले इसको सरल करना है, एक को इससे गुणा करेंगे, ए क्यूब, एक को ए से किया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। अब क्या करें, सरल होने पर आ गया। अब मान ज्ञात करना है, पहली स्थिति ए बराबर 0 रखने पर, ये इसका पहला हो गया 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 5। जानते हैं कितनी भी पावर लगा दो 0 की तो हमेशा 0 ही होता है, और 0 को किसी संख्या में जोड़ दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा आंसर आ गया कितना, 5। अब इसका सेकंड देखिए, यहीं पे संख्या थी ए क्यूब ए स्क्वायर ए प्लस के 5। क्या रखेंगे, ए बराबर प्लस का ए, आप देखिए रखिए, बिल्कुल सिंपल है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। कैसे, a की पावर 3 a की पावर 2 1 प्लस 5। आप बताइए तो a की पावर 3 एक हुआ, a की पावर 2 एक हुआ, प्लस 1 प्लस 5, जोड़ के बताइए कितना होगा। सिंपल है, 1, 2, 3 और 5 कितने हो गए, यानी ये भी हमारा सवाल हो गया। अब एक छोटा सा सवाल बचा है, a बराबर -1 रखने पर, वो आप स्वयं करोगे। कैसे, यहाँ माइनस रखोगे, यहाँ माइनस रखोगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये 3 बार आएगा ये माइनस, 2 बार आया प्लस, ये क्या आ गया, माइनस। अब इसको हल करोगे, आप बताइए, देखिए 5 × 6 में से 2 घटा दो, कितने बचे, 4। ये हमारा इसका कौन सा बन गया, थर्ड सवाल बन गया। इस प्रकार से हमारे आज की तारीख में कितने सवाल हो गए, 4 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं।